अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत होंगे। दोस्तों, यहाँ आज हम कार्टन वाल का थोड़ा सा काम करने लगे हैं, तो इस जगह पर हम कार्टन वाल लगाएंगे जहाँ पर हम कटिंग कर रहे हैं। तो ये हमने कार्टन वाल काटा हुआ है, बड़े वाला ये कार्टन वाल है, ये देखें डबल नक्की वाला। तो इसके ऊपर प्रेशर प्लेट भी लगेगी और डब्बी भी लगेगी। ये पीस हमने काट कर रखा हुआ है, इस पर हमने ये एंगल जो यू होता है वो भी लगा दिया है। इसका लेवल भी हमने चेक कर लिया है, सब ठीक है। तो लेवल लाजमी चेक किया करें, कार्टन वाल लेवल में लगता है। हमने जो साइज़ निकाला उसके मुताबिक हम काटने लगे हैं, तो बहुत ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता कार्टन वाल। और जो ख़ास ख़ास चीज़ें हैं आज हम वही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि इसको बनाने में पूरा दिन लग गया था। तो ये हम ये देखें डिग्रियाँ निकाल रहे हैं, जहाँ से नीचे उसने बैंड होना है। इसी तरह अभी और से देखें, जब भी कटर चलाएं एहतियात से चलाएं। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ये देखें एंगल भी हमने उसी तरह डिग्री में काटा है, जिस जैसे हमने ये पीस काटे हैं। ये हमारा जो पीस है ये इस तरह लगेगा, ये देखें पहले इसकी डिग्री देखें, जो सेम हमने ये पीस काटा है, ये देखें ये देखें ये चीज़ बनेगी, बैंड होकर नीचे आएगी, क्योंकि हम दीवार के साथ बिल्कुल सीधा पीस खड़े करेंगे। ये जो हमने डिग्रियाँ निकाली थी, अब इसका हम जोड़ लगाएंगे। इसी तरह आपने भी एंगल की स्ट्रिपें काट के लगा लेनी है। हम पेच लगा रहे हैं, आप भी पेच लगा सकते हैं। पेच नहीं लगाने तो आप इसको रिवर्ट भी लगा सकते हैं। हमें ब्लैक पेच नहीं मिले थे इसलिए हम वाइट ही लगा दिए हैं। इस पर हम बाद में ब्रश से पेंट लगा देंगे। इस तरह आप निशान लगाएं, निशान लगाने के बाद सुराख मार दें। और जब भी सुराख मारें, जहाँ आपने निशान लगाया उससे थोड़ा सा आगे रखें, थोड़ा सा टेढ़ी करके ड्रिल को चलाएं, ताकि जो खींच पड़े इसको और आपस में जॉइंट सही बैठे, नहीं तो बीच में गैप आएगा। कोई भी जॉइंट हो थोड़ी सी खींच लाजमी उसमें दें। ये देखें मैं स्क्रू लगा रहा हूँ, साथ में अपनी जगह पर बैठता जा रहा है। और देखें जोर ज़बरदस्त बैठ गया है। अब हम इसके पेच बाकी भी लगा लेंगे। घुमा कर दूसरी साइड पर भी लगाएं, इसके मशे डबल स्टिप लगाएं। हम इसका एंगल भी लगा सकते थे सामने से, लेकिन उसमें ज़्यादा मज़बूती नहीं होनी थी, इसलिए हमने डबल स्टिप लगा रहे इसको, ताकि ऊपर वेट आना है शीशे का। इस तरह ये देखें हमारे जो हैं वो मुकम्मल हो गए हैं। हमारे जितने पीस आने कैलकुलेशन के हिसाब से उतने हमने ये मुकम्मल कर लिए हैं। ये इस तरह ये जो डिग्री वाला पीस है हमारा आएगा, जो दीवार के साथ ऊपर आएगा सामने की तरफ, ये वो वाला पीस है। हम इस तरह रख के इसको निशान लगा लेंगे। मैंने ये उल्टा रखा हुआ है कि हमारा ये पीस मैं उल्टा लगा रहा हूँ, तो आपने भी उल्टा नहीं लगाना, आपने सीधा रखना है, क्योंकि आप जो कार्टन वाला लगाएंगे वो सीधा आएगा। जिस तरह उसका नक्का हो उसी तरह दूसरा सैम्पल का भी नक्का आए। ये रबड़ लगा रहे हैं हम, ये कार्टन वाल की रबड़ है 5 मिली की, 12 mm का ग्लास लगाने के लिए। तो ये इस तरह की रबड़ होती है, देखें इस तरह आपने जितने भी पीस आप सब में डाल लें। और ये देखें जो हमने पीस ऊपर रखा था पहले अपने साइज का काट कर उसमें एंगल लगाए थे हमने, यूज होता है ये। जो अब जो टेढ़े मैंने पीस एंगल लगाए थे वो देखें आपको सामने ऊपर नज़र आ रहे हैं डिग्री वाले। तो इस तरह हमारे ये देखें जो सारे पीस है ये हमने लगा लिए हैं, और इनको हम पेच लगा पक्का कर देंगे। ये रबड़ देखें, ये 5 मिली की रबड़, इसकी एक छोटी सी कॉलर बनी होती है, ये देखें आपको नज़र आ रही होगी मेरे अंगूठे के पास। ये साइड आपने बाहर करनी है, ये इस तरह हमारी बाहर की तरफ आएगी। ये देखें जैसे मैं डाल रहा हूँ इस तरह, ये आपकी आपने डालनी है। इस सब प्लेटों को हमने डाल ली है, प्रेशर प्लेट जो होती है इसको हमने सुराख भी कर दिए हैं लगाने के लिए। तो वीडियो में थोड़ी इसलिए शॉर्टकट बना रहा हूँ क्योंकि इतनी मुश्किल नहीं कार्टन वाला, काफ़ी चीज़ों को तो आपको पहले से पता होता है, कुछ चीज़ें जो खास होती हैं मैं वो बता रहा हूँ। इन साइडों पर हमारे डोर आएंगे HD में, वो बाद में हम लगाएंगे।
ये देखिए हमारा मुकम्मल हो चुका है। ये हमने पेच लगाकर इसको मुकम्मल कर दिया है, प्रेशर प्लेट को ऊपर बढ़ाकर। ये हमने इसको बड़ा रखा है क्योंकि हमारा शीशे का यहाँ शेड बनेगा तकरीबन दीवार से 5 इंच आगे आएगा यहाँ तक, ताकि पानी अंदर ना आए बाहर गिरे। तो ये देखें सामने से हम जड़ी लगाकर दीवार में शीशा अंदर देंगे ताकि पानी अंदर नीचे ना आए। तो ये दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।